Hello students, good afternoon, welcome again. So in this video you will get the whole answer of BA program semester 2 English discipline specific course modern Indian literature poems and short stories. So this is the name of the paper, modern Indian literature poems and short stories. This is video for the first year second semester. You will get the full answer, full assignment answer in this video, so please watch it very carefully because I will also give you advice how you can modify this answer and how you can change it according to your own need. So please watch the full video, otherwise you will miss the important point. बीच बीच में कहीं पे मुझे आपको ये भी बताना है कि अगर आप हैंड रिटन असाइनमेंट लिख रहे हैं तो क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है, या फिर अगर आप वर्ड में टाइप कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से चेंजेस करने हैं. एंड इफ़ यू डू नॉट वॉच द होल वीडियो देन यू विल मिस ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स. सो प्लीज़ वॉच इट पेशेंटली द कम्प्लीट वीडियो. Now let's have a look at the structure of the assignment. It's very simple. Starting में बिल्कुल center top में आपको लिखना है assignment. Then paper का नाम जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, BA program second semester है आपका. Then paper का title English discipline specific course and the name of the paper modern Indian literature poems and short stories. ये पूरा आपने लिखना है. देन आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड आपका रोल नंबर और आपका जो SOL का रोल नंबर है, जो एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड में मिला हुआ है, या जो भी बाकी चीज़ें. देर आर टोटल फाइव थिंग्स विच यू हैव टू राइट. वो फाइव की फाइव थिंग क्या क्या है आपकी SOL की गाइडलाइंस में आपको दी गई हैं, एक बार ज़रूर गाइडलाइंस चेक कर लीजिए. एंड देर आर टोटल फाइव थिंग्स जो आपको हर पेज पर, अगर आपका तीन पेज का असाइनमेंट है या दो पेज का असाइनमेंट है तो आपको हर पेज पर वो डिटेल्स लिखनी ही लिखनी है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन 3 ऑफ दिस पेपर. डिस्कस द यूज़ ऑफ लिहाफ एज मेटाफर इन इस्मत चुगतई शॉर्ट स्टोरी. सो आई डोंट नो हाउ मैनी इफ यू हैव रेड द शॉर्ट स्टोरी, सो आई विल ऑल्सो टेल यू अ वेरी ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी कि एक्चुअल में स्टोरी में था क्या, ताकि आंसर पढ़ते हुए और ये वीडियो देखते हुए आपको अच्छे से समझ आए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. एंड बिसाइड्स दिस आई विल ऑल्सो टेल यू दैट हाउ यू कैन मॉडिफाई दिस आंसर. आप अपनी तरफ से क्या क्या चेंजेस करके इस आंसर को पर्सनलाइज्ड आंसर बना सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज इफ एवरीवन विल कॉपी द सेम आंसर देन इट विल क्रिएट लाइक सम प्रॉब्लम. सो जस्ट डोंट कॉपी, फॉलो माई एडवाइस, वॉच दिस वीडियो एंड देन यू विल हैव योर ओन आंसर. ओके, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा उसमें आपको पता होगा कि चार में से सिर्फ आपने दो क्वेश्चन करने हैं. सो इट्स योर चॉइस आप कौन से दो क्वेश्चन करने वाले हैं. दिस इज़ क्वेश्चन 3. इस क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा. सो क्वेश्चन में कहा गया है कि इस्मत चुगतई जो है एक राइटर है, उनकी स्टोरी लिहाफ किस तरह से, जो वर्ड मेटाफर लिहाफ जो है ये यूज़ किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफर क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता, मेटाफर का मतलब होता है कि जब किसी वर्ड को उसके डबल मीनिंग देने के सेंस में यूज़ किया जाए, या जो मीनिंग डायरेक्टली नहीं लिख निकलता है बल्कि जो मेटाफोरिक सेंस में, या कह सकते हैं आप एक एग्जांपल से समझिए, ही इज़ लाइक अ लायन, वो एक शेर की तरह है. इसमें हमने कंपैरिजन किया कि एक लड़का जो है वो शेर की तरह है, बट इफ़ वी से दैट ही इज़ अ लायन, वो शेर है, यहाँ पे भी हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं कि वो एक शेर जैसा है, उसके अंदर शेर की क्वालिटीज़ हैं, बट हम डायरेक्टली उसको शेर ही बुला रहे हैं. सो यहाँ पे लिहाफ इस तरह से एक मेटाफोरिकल वर्ड है. सो इसका कौन कौन सा डबल मीनिंग निकल के आता है स्टोरी के बीच में, आपको वो समझाना है कि इस चुगतई की स्टोरी के बीच में लिहाफ का मतलब एक्चुअल में द क्विल्ट होता है. तो स्टोरी का जो इंग्लिश टाइटल है वो भी द क्विल्ट है. इट मीन्स कवर, जो नॉर्मल कंबल या कवर या चादर हम अपने ऊपर लेते हैं कवर करने के लिए, दैट इज़ लिहाफ. तो अब उसका डबल मीनिंग इस स्टोरी में क्या निकल के आ रहा है, या बाकी क्या मीनिंग निकल रहे हैं सिवाय कवर के, वो सारे मीनिंग्स आपको डिस्कस करने हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. आंसर में क्या कहा गया है, फर्स्ट पैराग्राफ जो आंसर का है उसके बीच में मैंने डिस्क्राइब किया कि लिहाफ जो है वो क्या एक्चुअल में है, क्या मेटाफर कैसे यूज़ हो रहा है. सो द वेरी फर्स्ट लाइन इज़ लिहाफ इज़ यूज एज बोथ एन ऑब्जेक्ट एंड अ मेटाफर इन द शॉर्ट स्टोरी ऑफ इस्मत चुगतई विद द सेम टाइटल लिहाफ ट्रांसलेटेड इन द इंग्लिश एज द क्विल्ट. सो लिहाफ जो है वो एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक सामान और एक मेटाफर यानी कि ऐसी चीज़ जो डबल मीनिंग दे रही हो, ऐसा वर्ड उसकी तरह यूज़ किया गया इस्मत चुगतई की शॉर्ट स्टोरी, जिसका टाइटल भी सेम है लिहाफ, इसका टाइटल भी लिहाफ है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो द क्विल्ट निकलता है. नेक्स्ट लाइन, द लिहाफ इज़ यूज टू कवर और कंसील समथिंग एंड दिस कंसीलिंग गिव्स अ मिस्टीरियस एंड क्यूरियस ऑरा टू द ऑब्जेक्ट कंसील्ड अंडर इट. सो लिहाफ जो है वो यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को कवर करने के लिए और कंसील करने के लिए, ढकने के लिए और छुपाने के लिए, लेकिन ये ढकना और छुपाना ही उस चीज़ को मिस्टीरियस और क्यूरियोसिटी का इफेक्ट भी, एक ऑरा भी देता है. तो हम क्यूरियस होते हैं उस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि उस ऑब्जेक्ट के, जो ऑब्जेक्ट है क्विल्ट के नीचे या लिहाफ के नीचे जो भी चीज़ छुपी हुई है वो क्या चीज़ है. सो यहाँ पर सिर्फ ढकना ही काम नहीं हो रहा बल्कि जिस चीज़ को ढका जा रहा है
है उस चीज़ के प्रति रीडर के मन में उत्सुकता भी जगाई जा रही है कि किस चीज़ को ढका जा रहा है. सो दिस इज़ लाइक द फर्स्ट पैराग्राफ. इन द सेकेंड पैराग्राफ आई हैव डिस्क्राइब्ड द स्टोरी इज़ अबाउट बेगम जान. नाउ वी आर कवरिंग द वेरी ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी, लाइक वट एग्जैक्टली द स्टोरी इज. सो द स्टोरी इज़ अबाउट बेगम जान हु इज़ अ ब्यूटिफुल यंग वाइफ ऑफ अ रिच ओल्ड नवाब साहिब. लिहाफ और द क्विल्ट पब्लिश इन 1942 इन द उर्दू जर्नल अदब ए लतीफ रिवॉल्व्स अराउंड द इंटरवोवन थीम्स ऑफ मैरिज, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन एंड द ऑपरेशन एंड नेगलेक्ट ऑफ फीमेल सेक्शुअलिटी एंड डिज़ायर. द नैरेटर इन द स्टोरी इज़ अ यंग गर्ल. सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्टोरी में कहानी बता कौन रहा है. अगर आपने मेरे चैप्टर्स वाली वीडियोज़ जो और वीडियोज़ हैं इसके बीच में, तो अलग अलग पेपर के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उनमें से लैंग्वेज टू लिटरेचर के ऊपर कुछ वीडियोज़ बनी हुई हैं. इन दोज़ वीडियोज़ आई हैव डिस्क्राइब्ड कि नैरेटर और प्लॉट और समरी ये सारी चीज़ें एक्चुअल में होती क्या हैं. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दोज़ वीडियोज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज. सो यहाँ पे अदरवाइज सिंपली नैरेटर मीन्स कहानी सुनाने वाला. सो द नैरेटर इन द स्टोरी इज़ अ यंग गर्ल. एक यंग लड़की, छोटी बच्ची जो है वो नैरेटर है, वो कहानी सुना रही है. हु कम्स टू बेगम जान्स हाउस फॉर अ हॉलीडे, जो छुट्टियों के लिए आई है बेगम जान के घर में. नवाब साहिब हैज़ नेगलेक्टेड एंड इग्नोर्ड बेगम जान एज अ रिजल्ट. डिस्पाइट हैविंग ऑल द मटीरियल कम्फर्ट्स, बेगम जान इज स्पेंडिंग हर लाइफ इन लोनलीनेस. सो हमें पता है कि नवाब साहिब जो है वो बेगम जान को इग्नोर करते हैं, इस वजह से वो सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी अकेलेपन में बिता रही हैं. नाउ द यंग गर्ल एज अ नैरेटर टॉक्स अबाउट द टॉपिक एंड थिंग्स विच अ नॉर्मल नैरेटर विल नॉट बी एबल टू टॉक इन दैट सोसाइटी. चुगताई हैज़ वेरी क्लियरली यूज द यंग इग्नोरेंट गर्ल एज कवर लिहाफ टू हिज वॉइस एंड रोल एज एन ऑथर डिस्कसिंग द होमोसेक्सुअल थीम ऑफ द स्टोरी. सो स्टोरी के बीच में होमोसेक्सुअल थीम है, यानी कि होमोसेक्सुअल रिलेशंस के बारे में बात हो रही है, लेकिन चुगताई जो है राइटर, उन्होंने बहुत चतुराई से क्लेवरली उन्होंने चूज़ किया है एक यंग लड़की की नैरेटिव वॉइस को, ताकि क्योंकि उस ज़माने में वो तो डायरेक्टली इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात कर नहीं सकते थे एज अ नैरेटर, लेकिन एक बच्चा जो है, एक बच्चे की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं. तो उन्होंने स्टोरी एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बच्चे की नैरेटिव वॉइस में सुनाई है, और ये खुद एक लिहाफ ही है, खुद ये एक तरह का कवर ही है कि किस तरह से चुपते ही अपने आप को छुपा रहा है एक बच्चे की वॉइस के पीछे, और अपने मन की सारी बातें एक बच्चे के थ्रू आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं. द यंग गर्ल सेज दैट द शी फाइंड्स लिहाफ. अब मैंने एक स्टोरी के बीच में से ये एग्जाम्पल लिया है कि कैसे उन्होंने ये काम किया है. द यंग गर्ल सेज दैट शी फाइंड्स लिहाफ एज अ फनी ऑब्जेक्ट बिकॉज इन द डे टाइम इट्स अ नॉर्मल क्विल्ट बट एट नाइट इट टेक्स द शेप ऑफ एन एलिफेंट. सो यंग लड़की जो है वो ये डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से दिन में तो जो लिहाफ है, जो क्विल्ट है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन रात को वो हाथी की शेप ले लेता है या हाथी की तरह का डिज़ाइन वो उसमें बन जाता है. सो दिस इज सिम्बॉलिक ऑफ द सेक्शुअल रिलेशनशिप बिटवीन बेगम जान एंड हर मेड सर्वेंट रबू. सो उन दोनों के बीच में एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप बेगम जान और उनकी जो काम वाली या मेड सर्वेंट जो भी है रबू, जिनका नाम है, उन दोनों के बीच में होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप एक रात को जो बनता है, बच्ची के लिए वो एक फ़नी इमेज है, एक एलिफेंट की इमेज दिखाई गई है. द नैरेटर इज़ बोथ फियरफुल एंड क्यूरियस अबाउट द मिस्टीरियस शेप्स मेड बाय लिहाफ एट नाइट. अब यहाँ पे जो नैरेटर, जो वो छोटी बच्ची है, वो डर भी रही है रात को वो अजीब सी इमेजेस देख के, क्योंकि उसको पूरी समझ नहीं है उन चीज़ों की वो क्या है, और दूसरा वो क्यूरियस भी है, वो जानना भी चाहती है कि ऐसा जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है. नैरेटर नेक्स्ट पैराग्राफ, नैरेटर द यंग गर्ल ऑल्सो कमेंट्स ऑन द स्ट्रेंज हॉबी ऑफ नवाब साहिब. वो अब सिर्फ बेगम जान के बारे में ही नहीं, वो नवाब साहिब की स्ट्रेंज हॉबी. अब एक बात पे ध्यान दीजिए, मैंने जितना भी लिहाफ लिखा है वो सारा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, और उसके बाद स्ट्रेंज हॉबी को डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, बिकॉज ये मेरे वर्ड नहीं है. स्ट्रेंज हॉबी वर्ड चुगता ही ने यूज़ किया है नवाब साहिब के लिए, मैंने यूज़ नहीं किया. सो दिस इज़ फ्रॉम द स्टोरी, दैट्स वाई दिस इज़ अंडर डबल कोट. जब आप आंसर लिख रहे हैं या टाइप कर रहे हैं तब भी आप इसे डबल कोट में ही लिखिए. सो उसने जो नवाब साहिब की अजीब हॉबी है, स्ट्रेंज हॉबी है, उसके ऊपर ही वो कमेंट कर रही है. प्रीऑक्यूपाइड विद यंग बॉयज़ इन ट्रांसलूसेंट कुर्ता. सो इन ट्रांसलूसेंट कुर्ता अगेन इज़ नॉट माई वर्ड. ट्रांसलूसेंट का मतलब कि ऐसे कुर्ते जो जालीदार हों, जिनके आर पार दिखाई दें, एंड फिटिंग चूड़ीदार. चूड़ीदार इज़ लाइक पजामे विच मुस्लिम पीपल यूजली वेयर, यंग बॉयज़. सो दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. दैट्स वाई अगर आप अपने आंसर में वो वर्ड यूज़ करते हैं तो आपको उन्हें इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना होता है. द नवाब कंडेम्ड द बेगम टू अ लाइफ ऑफ कन्फाइनमेंट एंड सब्जुगेशन. उसे अकेलेपन की ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दिया हुआ है नवाब साहब ने, बिकॉज वो बिजी हैं अपने बॉयज़ के साथ, अपनी हॉबीज़ के बीच में. ही कम्प्लीटली नेगलेक्टेड एंड डिसमिस्ड हर प्रेजेंस इन हिज लाइफ. टोटली अपनी लाइफ से उन्हें इग्नोर कर दिया हुआ है. ही वुड नॉट इवन अलाउ हर टू गो आउट. और उसे कहीं बाहर भी नहीं जाने देते कि वो कहीं बाहर जाके किसके साथ अपना अफेयर या कुछ और, किसी और के साथ वो शादी कर सके. वो पूरा घर में ही कैद है. डिजेक्टेड एंड डेस्परेट बेगम जान हु वॉज विदरिंग अवे फाइन सॉलेस इन द आर्म्स ऑफ हर मेड सर्वेंट रबू. सो अब
जो बिल्कुल जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पे वर्ड डिजेक्टेड मतलब किसी सामने वाले इंसान को रिजेक्ट करना, एंड डेस्परेट बिल्कुल वो बिकॉज शी इज यंग सो दैट्स वाई शी वॉन्ट्स सेक्शुअल नीड्स, शी हैज़ सेक्शुअल नीड्स सो दैट्स वाई शी वॉन्ट अ सेक्शुअल रिलेशनशिप, बट नवाब साहिब कैन नॉट गिव दिस टू हर, सो शी फाइंड सॉलेस, यानी कि उसको अब जो भी थोड़ा बहुत सुकून मिलता है वो अपनी मेड सर्वेंट रब्बू के साथ ही मिलता है। अब यहाँ पे दो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप हो गए, फर्स्ट इज़ नवाब साहिब और किस तरह से वो अपने यंग बॉयज़ को ट्रीट कर रहे हैं, जो उनके वहाँ पे जितने भी यंग लड़के आते हैं उनकी ड्रेस के ऊपर कमेंट करी गई है। सो उनके ड्रेस के ऊपर कमेंट करने से हमें पता चलता है कि यहाँ पे होमोसेक्सुअल एलिमेंट है। डायरेक्टली स्टोरी के बीच में कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि नवाब साहिब की किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी भी लड़के के साथ है, और डायरेक्टली यहाँ पे बेगम जान के बारे में भी ये बात नहीं बोली गई है, जस्ट उनके जो एलिफेंट वाली इमेज है उससे दिखाया गया है कि हाँ इस तरह का कोई यहाँ पे रिलेशन है। Dejected and desperate, Begum Jaan, who was withering away, finds solace in the arm of her maidservant Rabu. Next paragraph, as an object and a metaphor, Lihaf is concealing the homosexual relationship of Begum Jaan. At the same time, it is also making the reader curious about the kind of relationship Begum Jaan have with her maidservant. So, Lihaf जो है वो छुपा भी रहा है इस relationship को और reader को curious भी कर रहा है कि ये किस तरह का relationship है। Another metaphoric role of Lihaf is seen in the marriage of Begum Jaan and Nawab Sahib. So second role जो है Lihaf का, Lihaf word का metaphor जो है वो इसलिए भी यूज़ किया गया है कि दोनों की शादी बेगम जान और नवाब साहिब की वो भी एक तरह का कवर है। बेगम जान्स रिलेटिव्स एंड फैमिली लुक एट हर मैरिज एज अ कन्वीनियंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड दे डू नॉट केयर अबाउट हर सेक्सुअल डिजायर्स एट ऑल। हर मैरिज इज़ यूज्ड एज अ लिहाफ टू कंसील द होमोसेक्सुअल डिजायर्स ऑफ नवाब साहिब फॉर फेयर कॉम्प्लेक्स स्लेंडर वेस्टेड यंग बॉयज स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये फेयर कॉम्प्लेक्स स्लेंडर वेस्टेड यंग बॉय स्टूडेंट, ये भी मेरे वर्ड्स नहीं है, यू हैव टू पुट इट इन अ डबल कोट, हेयर इट इज़ इन अ सिंगल कोट बाय मिस्टेक, सो प्लीज़ पुट इट इन अ डबल कोट। अब उसके बाद किस तरह से इनकी जो शादी है, बाकी रिलेटिव्स को तो लगता है कि बेगम जान की शादी बहुत अच्छा है, ठीक है पैसे वैसे मिलते हैं, बट देन अगेन नो वन इज़ वरिड अबाउट हर सेक्सुअल डिज़ायर, उनकी फिजिकल नीड्स के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और उनकी शादी जो है एक तरह से कवर है नवाब साहिब की जितनी भी उनकी अपनी होमोसेक्सुअलिटी है उसको छुपाने के लिए, कि अगर एक बार उनकी शादी हो गई तो अब कोई उसके बारे में डाउट नहीं करेगा कि वो होमोसेक्सुअल हैं या हेट्रोसेक्सुअल हैं। नाउ द लिहाफ क्लोक्स एज वेल एज प्रोवोक्स, सो दिस लाइन मीन्स कि वो छुपाता भी है और उसी की जगह वो उत्सुकता भी बढ़ाता है। चुगता इज लाइफ लिहाफ देयरफॉर इज एन आउटराइट रिस्पॉन्स टू द सोशली रैदर पैट्रियार्कली कंस्ट्रक्टेड इमेजेस दैट बिलीव्ड ओनली इन अ मेल डिजायर एंड अ वुमेन सबमिशन टू देम। सो किस तरह से ये जो लिहाफ स्टोरी है ये कमेंट है एक तरह से कि किस तरह से सोसाइटी में पैट्रियार्कल सेटअप इमेजेस क्रिएट करी गई हैं कि सेक्सुअल डिजायर जो हैं वो सिर्फ मेल की होती हैं, फीमेल की नहीं होती, जबकि यहाँ पे बेगम साहिब को भी उनमें इन्वॉल्व दिखाया गया है। लिहाफ नॉट ओनली एक्नोलेजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन और अ पोर्ट्रेज अ सब्सिक्वेंट सीक्वेंस ऑफ लोनलीनेस अराइजिंग आउट ऑफ इट्स रिप्रेशन बट ऑफर्स एन एक्सप्लोरेशन ऑफ अल्टरनेटिव सेक्सुअलिटी टू अ वुमेन इन अ सेक्सुअली रिप्रेसिव पैट्रियार्कल वर्ल्ड। ये सिर्फ यही नहीं दिखाता कि किस तरह से वुमेन अगर अपनी सेक्सुअल डिजायर को रिप्रेस कर रही हैं, दबा रही हैं, तो वो लोनलीनेस या अकेलेपन में जा रहे हैं, बल्कि ऑल्सो एक सोल्यूशन भी दिया है कि अगर ऐसा होता है तो अल्टरनेटिव जो सेक्सुअलिटी है लाइक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप जो उनकी मेड और बेगम जान के बीच में है वो इस तरह के सेटअप में भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लोर कर रही है। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, सो द लिहाफ एज अ मेटाफर इज़ वर्किंग एट थ्री लेवल, फाइनली ये कंक्लूजन है, तीन लेवल पे लिहाफ जो है ये मेटाफर वर्क कर रही है। पहला, फर्स्टली फॉर चुगता हिमसेल्फ व्हेन ही यूज्ड द यंग गर्ल एज अ नैरेटर टू डील विद द फॉरबिडन सब्जेक्ट, ऐसी सब्जेक्ट ऐसी बातें जिनके साथ नॉर्मल राइटर डील नहीं कर सकता, उनको छुपाने के लिए उन्होंने एक यंग गर्ल का सहारा लिया, उसकी वॉइस का सहारा लिया, क्योंकि बच्चे किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। सेकेंडली व्हेन बेगम जान कंसील्स द होमोसेक्सुअलिटी ऑफ नवाब साहिब विद देयर मैरिज, सेकेंड जब बेगम साहिब ने अपनी शादी से नवाब साहिब की होमोसेक्सुअलिटी को छुपाया, एंड थर्डली व्हेन बेगम जान यूजेस द एक्चुअल ऑब्जेक्ट लिहाफ टू कंसील हर सेक्सुअल एक्टिविटी विद हर मेड सर्वेंट, एंड थर्डली जब बेगम जान ने खुद की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को कवर किया एक्चुअल ऑब्जेक्ट, उन्होंने तो वाकई में लिहाफ से ही कवर किया था खुद को एट द नाइट टाइम, सो दैट इज़ ऑब्जेक्ट भी यूज हुआ वहाँ पर और मेटाफोरिकल मीनिंग भी उसका निकल गया है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस आंसर, दिस आंसर वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 600 वर्ड्स, यू कैन कट सम वर्ड शॉर्ट इफ़ यू वॉन्ट, बट आई थिंक देर इज़ नो नीड टू डू दैट बिकॉज 500 वर्ड इज़ एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर सजेशन और एनी इशू विच यू वॉन्ट टू आस्क अस और शेयर विद अस,
प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो बिकॉज वी आर जेन्युइनली पुटिंग द एक्चुअल जेन्युइन कंटेंट एंड इफ़ यू वॉन्ट अस टू कंटिन्यू देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल वी ऑल्सो फील वेरी अप्रिशिएटेड वेन यू डू दैट सो थैंक यू सो मच टू ऑल द सपोर्टर्स हु हैव सपोर्टेड अस एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो कीप वॉचिंग